खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। ईशागढ़ में आदिम जाति कल्याण छात्रावास गंदगी से घिरा हुआ है। छात्रावास में पूरे ओर गंदगी का वास है और बच्चों को परेशानियों और बदबू का सामना करना पड़ रहा है। पूरे छात्रावास में पानी की समस्या व्याप्त है। नगर पंचायत द्वारा टैंकरों से पानी मंगवाया जाता है, तब जाकर 2 से 4 दिन में बच्चे नहा पाते हैं। और जब टैंकर नहीं आता है तो बच्चे पानी लेने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाते हैं। छात्रावास का प्रभारी शराब के नशे में रहता है। अब देखना यह है कि क्या होगा इस छात्रावास के बच्चों का भविष्य। मैं यहाँ पर जुलाई से हूँ सर। तो जहाँ पे आपको कोई समस्या है? समस्या सर बच्चों के लिए ओढ़ने बिछाने के लिए नहीं, बोरो पानी चला गया और जैसे फर्नीचर है वो भी नहीं है, उनके लिए टेबल कुर्सियाँ भी नहीं है। आपने जिले में बात की आपके? सर मैं लिख के दे आया हूँ पूरा। क्या कहते हैं? पूरा अपने मैटर बना के दे आया हूँ। अभी कुछ बोर के लिए आपने क्या कहा? बोर के लिए सर मैंने बोला नहीं है मैंने उनको। अभी अभी टैंकर मंगा लिया। तो जो गंदगी है सर इसकी साफ सफाई के लिए कोई आता नहीं है? नहीं आता है सर, वो डेली आता है, बाद में कर दिया होगा सर। बाद में जो चोई जमी है इसकी, मतलब लेटरिन बाथरूम में, आप बताओ बच्चों को अगर इतनी गंदगी में रहेगा, जबकि नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं कि स्वस्थ रहे, साफ सफाई रहे, लेकिन आप देख लो अपन अपने घर में बाथरूम होती कितनी साफ रहती है। आपको आपके घर में बाथरूम होगी आपके नाम बताओ? नहीं है सर। आपके घर की बाथरूम कितनी सफाई होती है सर? सफाई लेकिन फेस में करवाते हैं सर, वो वृद्ध कर्मचारी है। खबर समय जगत के लिए ईशागढ़ से दुर्गेश राव कामले की रिपोर्ट। समय जगत, एक संदेश पूरा देश।